हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए गरम मसाले की रेसिपी लेके आई हूँ, क्योंकि फेस्टिवल का सीजन है, घर में तरह तरह के पकवान बनेंगे, तो हमने कहा गरम मसाला अपने घर का बना करके सब्जी में डालिए तो उसका स्वाद कुछ दूसरा ही होगा, क्योंकि शुद्ध गरम मसाला बढ़िया साफ़ सुथरा करके बाज़ार में तो पता नहीं किस तरह का गरम मसाला मिलता है, इसलिए अपने घर का मसाला बना करके आप सब्जियों में डालिए, त्यौहार पर तो आपको बहुत अच्छा स्वाद आएगा सब्जियों का। देखिए, उसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम खड़ी धनिया ली है, 200 ग्राम खड़ी धनिया ली है, 6-7 छोटी इलायची ली हैं, 10 ग्राम के करीब है ये, 4 बड़ी इलायची ली है, 1.5 जायफल लिया है, क्योंकि जायफल की खुशबू बहुत अच्छी होती है, इसलिए गरम मसाले में जायफल बहुत ज़रूरी है। दालचीनी ली है मैंने, और ये जावित्री ली है। आपके पास चक्री फूल हो तो आप चक्री फूल ले सकते हैं, नहीं हो तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। और लौंग ली है, लौंग ली है 10 ग्राम लौंग ली है, काली मिर्च ली है, इसमें मैंने काली मिर्च डाली है, देखिए 10 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा है काली मिर्च, और 6-7 ये तेज पत्ते हैं, और जीरा है, जीरा तो बहुत ही कंपलसरी है क्योंकि जीरे से खुशबू आती है, बढ़िया जीरा मैंने लिया है। और सबको यदि आपके यहाँ धूप निकल आए तो आप एक दिन इसको धूप दिखा करके तब पिसवा लीजिए, नहीं तो आप इसको हल्का सा बिल्कुल गर्म करके और इसको जो है पीस लीजिए, ज़्यादा गर्म करके मत पीसिएगा, नहीं तो इसकी सब स्मेल निकल जाएगी। हल्का सा बस फ्राई पैन गर्म करिए और उसमें हल्का मसाला गर्म करके और इसको पीस लीजिए। मैं अब इसको भून करके और पीस के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने हल्का सा भून करके और मेरा गरम मसाला बनके तैयार हो गया है। अब आप इसमें सब्जियों में इस डालिए, इसका स्वाद आपको बहुत ही अच्छा लगता है। जीरा आलू बनाइए, कोई भी सब्जी बनाइए, आप वेज बनाइए, नॉन वेज बनाइए, उसमें भी सब में आप ये गरम मसाला डाल सकते हैं, इससे गरम मसाले का स्वाद कुछ अजीब होता है। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो गरम मसाले की, तो आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।